गुरदासपुर के पिंड आले चक विच नौ कनाला सत्त मरले की जमीन नू लैके दो धिर दरमियान चल रहे झगड़े दौरान एक धिर की महिला वालों हवाई फायरिंग की गई, जिस तो बाद पुलिस वालों महिला समेत तीन व्यक्तियों खिलाफ मामला दर्ज किया है। उत्थे ही महिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करदे आरोप लगाए हैं कि यह जमीन उसके स्वर्गीय पति करनल के नाम से सी, जिस विच वो लंबे समय तो खेती कर रही है। इस जमीन का मानयोग अदालत में केस भी चल रहा है। मानयोग अदालत ने उन्होंने लिखती हुक्म किए हैं कि जिन्ना चिर इस जमीन की कोई सुनवाई नहीं हो जाती उन्ना चिर वो इस जमीन पर खेती कर सकते हैं। भाजी मैं गुरभेत सिंह, इन्होंने मेरा परचे के नाम दर्ज किया भी गुरभेत सिंह ट्रैक्टर चला रहा है, तो ये को ट्रैक्टर छप्पड़ डिग पिया। ठीक है, जबकि मैं 9 बजे ड्यूटी तो वापस आया, उस वेले सारा कुछ हो चुके। बाद जो मैं पता लगा साडा ड्राइवर चरणजीत सिंह वो ट्रैक्टर चला रहा है। ठीक है, इन्हें मेरा नाम झूठा दर्ज किया भी गुरभेत सिंह ट्रैक्टर चला रहा है, क्योंकि मैं तो उत्थे है ही नहीं सी, ना मेरी कोई वीडियो हैगी इन्हां कोल, ना कोई प्रूफ हैगा। ठीक है ना, इस करके जिहड़ा झूठी परचा किया गया मेरे ते भी ट्रैक्टर चला रहा है, तो ये बिल्कुल कैंसल होना चाहिए। मैं कुछ 9 बजे घर आया। ठीक है, मेरे आउंदे नूं सब कुछ हो चुका सी, बाद मैनूं पता लगा भी आ काम होया आ, फिर मैनूं पता लगा भी चरणजीत सिंह ट्रैक्टर चला रहा है, तो ट्रैक्टर भी इन्हां आप ही विच सुट्टिया आ, ना कि होर किसे ने। मैं मंग करदा मेरे ते जिहड़ा नजायज़ परचा होया ट्रैक्टर चलाउण दा वह कैंसल किया जाए। मैं जसप्रीत कौर छीना, वाइफ ऑफ लेट कर्नल यशपाल सिंह छीना, वासी आले चक। मेरी इस पिंड दे विच जिहड़ी सीगी वह 9 कनाला 7 मरले जमीन सी, जिस दा मेरा झगड़ा कोर्ट विच चल रहा सी। मान जो सैशन जज गुरदासपुर वालों उहदे उत्ते स्टेटस को हो चुका सी। ये जमीन मेरे कोल पहला मेरे हसबैंड दे कोल कोई 50-60 साल तो वगदी आ रही सी। 13 साल उन्हां दी डैथ नूं हो गया उदों दी ये जमीन जिहड़ी सी वह मेरे कोल ही वगदी आ रही सी। हुण अचानक ही साडे पिंड दे बंदियां ने उदन मेरा ड्राइवर रूटीन दी तरह जमीन वारिया सी। सैकेंड जदों असी उस दिन सवेरे सवेर मेरा ड्राइवर कल्ला ही पैली वाउण वास्ते गया तां उस समय उन्हें एक खत्ता वाह लिया सी, जदों कि दूजे खत्ते की वारी आई तां काफ़ी सारे बंदे जिहड़े सी उह कट्ठे हो के आए, जिहदे विच मेन हरकमलजीत सिंह बथवाला, वरिंदर सिंह आलेचक, साडे पिंड दा सरपंच कलवंत सिंह, गुरजीत सिंह, भुपिंदर सिंह और संतोख सिंह और एक रोमी हमराजपुर, ये बंदे जिन्हां दी मैनूं पछाण सी, पर बाकी बंदियां दी मैनूं पछाण नहीं सी। इन्हां सारयां ने हत्थां दे विच जिहड़े सी उह दातर वगैरह फड़े होए सीगे। जदों इन्हां बंदियां ने आ के मेरे ड्राइवर नूं यकदम ट्रैक्टर दे उत्तों थल्ले सुट लिया ते मेरा ट्रैक्टर खो लिया। उस टाइम ते मैं दौड़ी हुई पैली दे विच गई। जब मैं पैली दे विच जा रही सी ते पिछों किसी बंदे ने मैनूं आवाज़ दित्ती, मैडम फायर। मैं यकदम हवाई फायर किया अपनी सेफ्टी वास्ते कि जब मेरे पिछे भी तुसी वीडियो दे विच देख लोगे, मैं वीडियो दे दांगी जिहदे विच मेरे पिछे तो भी बंदे दौड़ के आ रहे ने ते मेरे फ्रंट तो भी बंदे जिहड़े आ उह दौड़ के मैनूं मारन वास्ते आ रहे ने। इहदे विच मैं किते भी कोई गलती नहीं की, क्योंकि हथियार जिहड़ा वा असीं अपनी डिफेंस वास्ते लैंदे आ। मैं किसी वल सीधा फायर नहीं किया, हवाई फायर किया। जब मैं हवाई फायर किया तो पुलिस वाले ने मैनूं आ के कहा कि मैडम तुसी घर चले जाओ, असीं आपे इन्हां दे नाल नजिठ लैंदे आ। मैं अपने ड्राइवर नूं लै के उस टाइम पर अपने घर आ गई हाँ। तुहानूं असीं एक वीडियो पेश करांगे जिहदे विच तुसीं ध्यान दे नाल देखना कि किस तरह ये सारे जाने दातर लैके पैली दे विच भज्जे फिर रहे ने, और 3 पुलिस मुलाजम भी तुहानूं नज़र आउणगे जिहड़े पैली दे विच ने, जिन्हां वल्लों कोई एक एक्शन नहीं होया। हाँ जी, जदों असीं पैली वाह रहे सीगे एक गड्डी पहले ही पुलिस की हूटर मारदी हुई आई और वह पैली वाल नहीं आई, वह सीधी अगे जा के खड़ी हो गई। उस टाइम तो कोई बंदा नहीं सी आया साडी पैली दे विच, और वह साडी हवेली दे गेट गाड़ी कोई 15-20 मिनट रुकी। जदों वह बंदे आ के पैली वाल आ गए उस टाइम तो उन्होंने आ के वह गड्डी जिहड़ी रस्ते डक दित्ती, तो जदों साडा उन्होंने ट्रैक्टर खोलिया तो उन्होंने सानू घर वापस भेजता। जदों सानू वापस भेजता उन्होंने पिछों साडा ट्रैक्टर जिहड़ा सीगा ना वह छप्पड़ दे विच सुट दिता। वह वीडियो दे विच तुहानू बड़े चंगे तरीके नाल नज़र आ जाएगा कि किस तरह उन्होंने ट्रैक्टर सुटिया तो किस तरह उन्होंने बाद विच पैली दे विच नाच किया। Thank you.
दो मिनट बलिंदर सिंह दे नाते ते हरकमलजीत सिंह दे नाते जेडे के सम्मन आए हुए जज वालों स्टे लगा सी ओदे फैसले की कॉपी झगड़ा होया कि तुसी ध्यान ना देखोगे कि बैक साइड तो लड़के आए और फ्रंट दे उत्ते लड़के इस जगह तो आके उन्होंने ट्रैक्टर खोया ते इस जगह तो चढ़ के उन्होंने अगे सुटिया सुट के वह बंदे उत्थों तक चल गए पर किसी ने उन्होंने अजे तक नहीं गई। वीडियो दे विच चंगे तरीके नाल तुसी उन्हां दी बोलबानी ते जिहड़ियां चीकां ते चांगरां मारियां उन्हां नूं ध्यान नाल जरा सारा प्रोसैसिंग सुनो। शॉर्ट से करने हैं सारे नु ध्यान नाल देखा जावे कि ए ओही मेरा ट्रैक्टर आ जेड़ा कि उन्होंने छप्पड़ दे विच सुटिया सी ते इस ट्रैक्टर दा जेड़ा नुकसान होया वा उस बारे भी प्रशासन ने कुछ नहीं किया। सर बंबी दी फोटो मैं उधरों एनु लेनी मैं इत्थे प्रशासन नु ए भी दसना जरूरी समझदी हां कि ए ओ मोटर आ जिहड़ी कि मेरे घर विच लगी हुई है मेरे च बनिया होया ते इहदा अंडरग्राउंड पानी उस ही किले दे विच जाके खुलदा वा जिस किले दा कदों लाओ जी। मेरा नाम भाई मेजर सिंह बाजवा है उदा मेरा पूरा नाम हरकमलजीत सिंह बाजवा है। ये जमीन असी सिमरन छीना मनीत छीना को जमीन खरीदी हुई है जी 2011 आप रजिस्ट्री कराई जी आदि रजिस्ट्री है जी ठीक है जी। रजिस्ट्री तो बाद सर इंतकाल साढ़े नाँ से हो चुका वा इंतकाल मंजूर हो चुका जी इंतकाल मंजूर होने तो पहला इन्हें औरत ने एक एस डी एम के कोर्ट में कोर्ट केस कर दिता है भी मेरा हक बनता है। एस डी एम साहब की कोर्ट में यह केस हार चुकी है एस डी एम साहब ने फैसला साढ़े हक सुनाया जी। फिर इन्हें अपील कर दी जी जलंधर कमिश्नर साहब के कमिश्नर साहब को भी यह केस हार गई है जी कमिश्नर साहब ने भी साढ़े फैसला हक में सुनाया जी। फिर इन्हें एक जाली बयाना तैयार करके कोर्ट में केस लवा दिता कोर्ट ने जो जाली बयान में फोकस बयाना करार करके वो भी मतलब केस साढ़े हक जी किया जी वह भी फैसला ये खिलाफ गया जी। फिर एक ने जाली वसीयत तैयार की थी जसपाल छीने की करनल जसपाल छीने साहब की कोर्ट ने वह भी वसीयत यदि तोड़ दी है वो फैसला दोवें कुड़ियों के एक मुंडे के हक में कर दिता वा वो भी कोर्ट ने ये ना कुछ नहीं ये हक च कोई फैसला नहीं सुनाया दोवें कुड़ियों तो मुंडे गुरशेर वह मतलब जो भी हिस्सा बनता दिता गया वा। इस तो बाद जो आप कणक बीजी है हूँ कणक वढ़न तो बाद अं इतने चरी की काश्त की चरी चारे की वो आप मौका रिपोर्ट है जी साढ़े को ठीक है अज तो 1.5 महीना पहला दी है सर आ जो मेरे को रिकॉर्ड आ 1981 तो लैके अज तक का आ 1981 तो लैके अज तक किसी खाना मालक यदा ना नहीं आता किसी खाना काश्त यदा ना नहीं आता गुरद्वारिया भी साढ़े ना देने 2011 तो आप जो रजिस्ट्री कराई उदो जमीन आप काश्त कर रहे हैं खुद वाह रहे हैं हूँ आप अपनी मतलब जमीन बीजी सी इन्हें की किया जबरी को कब्जा करने की नीयत नाल अपने 15-20 बंदे नाल लैके उन्होंने वाहन की कोशिश की जिन्होंने आप जाके मौके पर रोकया इन्हें की किया मैंने जानों मारने की नीयत नाल मेरे तो सीधे फायर कर दते जी। चलो मानयोग पुलिस ने अपना पुलिस की कार्रवाई तो सैटिस्फाई भी हाँ पर फिर भी अं एक अपील करते हैं कि ये 307 की धारा लगनी चाहिए पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तो 336 का परचा दर्ज किया असं फिर भी चलो SSP साहब के पेश हो गए फिर एप्लीकेशन देंगे कि 307 की बनती कार्रवाई की जाए धारा में वाधा किया जाए ये जी उन्होंने ना प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट से जिसकी इंक्वायरी साढ़े बालातर अफसर को चल रही थी तो वो लेडी ने जिहड़ी दूसरी पार्टी आ एलीगेशन ला रही भी लेडी ने इंक्वायरी की वेट ना करते हुए तो पैली वाहन की कोशिश की आ जे उस टाइम उबज से उन्होंने जोड़े पट्ठे उन्होंने बीजे से उन्होंने
राउंड अप मार के या किसी तरीके भी खराब करके तो मुड़ के उन्हें पैली वाहन की कोशिश की है। दूजी तो रेल जाम ला रही है। दोवें तरह की गोली किने चलाई थी, क्यों गोली चलानी पई? गोली जी जो मौके दे जिन्नी सानू इन्होंने दस्या आके भी जिहड़ी लेडी जिहड़ी अपने बंदे नाल लैके पांच सत्त जाने ते पैली वाहन की कोशिश कर रही थी, इन्होंने उन्होंने कहा भी तुसीं इदां ना करो, जिहड़ी अपना वेट कर लो जो अपनी इंक्वायरी का डिसीजन आऊगा। तो उस गल तो इन्हां दी तूं तूं मैं होई आ, तो वो जिहड़े मैडम ने छीना उन्होंने गोली उत्थे चला दी। स्कूल दे कोई इंचार्ज हैगे, ओनर भी हैगे जी? हाँ जी, उन्होंने स्कूल भी हैगे। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਮੈਡਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ, ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਡਮ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੈਲ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਟੀ ਸਾਡੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਇਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ? ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਮਲਾ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਭਰਾਵਾ ਜਾਂ ਭਣੇਵਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਡਰਾਈਵਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਚਲੋ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਫਰਦਰ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਫਰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਂਗੇ।